चादर तो बिछा दिया सही से करके, तकिए भी रख दिया यहाँ पे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रजाई के खोले भरी है, यहाँ पे सूख रही है, तो जब बोल रजाई की रजाई निकाल रहे तो इन खोलों को उस पर चढ़ाएंगे। तो फिर ये निकालते सबसे पहले रजाइयाँ की निकालता हूँ, पेट की वजह पूरा हटाने पड़ेंगे गद्दे वद्दे, तो मैं हटा के निकालूंगा। चलिए निकाल लेते, पहले इन गद्दों को हटाएंगे सही से यहाँ पे। इन गद्दों को और इस पलाई को हटा दिया, तो अभी जो लेफ है निकाल लेते हैं इनको बाहर। अभी ये भी पड़ा है यहाँ पे, ये लेफ तो रजाई तो इस तरफ एक ही पड़ी, उस तरफ देखते हैं तो हटा के। एक रजाई ये पड़ी है और उधर तो देखना पड़ेगा एक बार है या नहीं है, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। इतनी मिट्टी हो जाती है, थोड़े से दिनों में सफाई की थी इसकी अभी थोड़े दिन पहले दिवाली के पे ही, तो वन एक मंथ हो गया। बट यहाँ पे देख लेते हैं एक बार है या नहीं है रजाई, इनको वापस रखेंगे निकाल के बस ऐसे कर लेते हैं। देख लेता हूँ उसमें इसमें तो नहीं है, इसमें भी एक रजाई पड़ी है, इसमें निकाल लेते हैं बस सही से कर लेते हैं। पहले इसको इस रजाई को भी निकाल लेते हैं बाहर सही से। सामान पड़ा है अभी वापस यहीं पर जचा के रखना पड़ेगा सही से। पहले इसको रख देते हैं सही से जचा के, घर का सामान रख देते हैं पहले सही से। पहले इसको यूं करके रखेगा इसको, क्यों इसको जाते हैं रख दिया यहाँ पे। आगे से सही करना पड़ेगा इसको, बीच में एकदम दब जा रहा है। इसको रखते हैं यहाँ पे से करना पड़ेगा। अब रख दिया, अब इसको भी रख देते हैं यहाँ पे सही से जचा के। गद्दों को रख दिया है, पहले रजाइयों को बाहर रख के आते हैं बाहर वाले पलंग पे, एक करके रख के आते हैं इनको पहले। फिर रख दिया इसको, वो लाते हैं रजाई रही है जो, इनको भी लाके बाहर रख देते हैं। दोनों को एक साथ लेके जाते हैं, पहले लेके जाते हैं। ये गिर गई, यहाँ पे ला के रख दिया, इनको भी रख देते हैं नीचे चले गए। ये सूख गए हैं शायद, अभी सूख रहा है। अभी चलते हैं अंदर, अभी बेड को सही से बिछा देते हैं, इसको सही से बिछा देते हैं इसके ऊपर चादर पर। अरे गद्दे तो बिछा दिए, पर इसको तो बिछाया ही नहीं, पहले गद्दे वापस हटाने पड़ेंगे और अब इनको यहाँ पे रखेंगे। उन गद्दों को हटा के पहले उनको बिछाएंगे, फिर गद्दों को वापस रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी गलती हो गई। चादर तो बिछा दिया सही से करके, तकिए भी रख दिए हैं यहाँ पे। मेरा फोन गिर गया था तो वेरी डिफिकल्ट हो रहा है।
एकदम हाथ से किसे छूट गया, समझ नहीं आ रहा कोई हो गया। इसको लग भी गया, फोन भी है तो टेम्पर उसको टूट गया, पता नहीं स्क्रीन में आया है स्क्रेच है बट में आया, देखना पड़ेगा इसको। अभी तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं वापस से। अब तो यहाँ से बिज गया, एकदम साफ हो गया है। अभी यहाँ से झाड़ू निकालते हैं, मिट्टी मिट्टी हो गई थी, अभी देखा आपने एकदम सब कुछ साफ किया था। झाड़ू लेके आते हैं बाहर से, ये झाड़ू झाड़ू निकालेंगे, अंदर से मिट्टी है उनको साफ कर लेंगे, क्योंकि झाड़ू तो एक बार सुबह निकाल दी थी, अब वापस से मिट्टी हुई तो इसकी वजह से वापस निकालते हैं। निकालते झाड़ू रूम से, मिट्टी जो हुई थी देखो मिट्टी हुई दिखाई दे रही है, कान खट्टा कर लेता हूँ शाम को एक साथ। गिर में भी बहुत लग रही है, पेड़ साफ करके पहले पेड़ को साफ कर इसको पैर साफ कर लेते हैं, देर में काफ़ी मिट्टी लग रही है। तो इस रूम से तो झाड़ू निकाल लिए, फिर इसका चलो इकट्ठा कर देते हैं, किचन साफ किया था तो यहाँ से भी थोड़ा इकट्ठा कर देते हैं। चलो देखो चलो इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह किचन साफ कर दिया था, किचन साफ हो गया आज तो कचरा इकट्ठा कर लिया है इस पर जगह पर, कचरे को बाहर निकाल लेते नहीं है, यहीं पर इकट्ठा कर लेते हैं और यहीं पर इकट्ठा करके इसको बाहर फेंक के आते हैं। ये हो गया यहीं पर इकट्ठा, तो लेके आते हैं इसको उठाने के लिए। इसको ले लिया, अभी इकट्ठा करते हैं सब कचरे को एक जगह पर, उसको सही से करके सर इकट्ठा हो गया, उसको बाहर फेंक के आते हैं बल्टी के अंदर, इसको वापस रख देते हैं यहाँ पर। झाड़ू उठा के रख के आते हैं, कहाँ काम का काम तो फिनिश हो गया, हम देखते हैं क्या करना है। इस पर तो रजाई के ऊपर होल चढ़ा दिया है, इस पर भी चढ़ा दिया है, अब इन दोनों को अंदर रखेंगे। और एक और रहा है उसके अभी निकाल के धोई थी खोल भरी, तो लेके आएंगे वो। इन दोनों को अंदर लेके जाते हैं और इन दोनों को अंदर रख देते हैं, इन दोनों को अंदर रख के आते हैं, फिर एक और जो है वो लेके आएंगे। एक और रजाई है वो भी लेके आएंगे, दोनों को अंदर रख देते हैं उस रूम में, और उस रूम से जो रजाई का खोल निकालिए वो लेके जाते हैं, इन दोनों को रख देते हैं उसके यहाँ पे। दोनों को यहाँ रख दिया, दोनों को यहाँ रख दिया, रख दिया यहाँ पे। अब जो ये रजाई है ये वाली, ये लेके जाते हैं बाहर, बाहर लेके जाते हैं। अब इसके ऊपर खोल चढ़ाएगी दादी, दादी बोल रही है चाय बना के दे, तो पहले रजाई को यहाँ पर रख देते हैं। अब हम बनाएंगे चाय, चलते हैं किचन में। सबसे पहले हम पतीली लेंगे, इसमें हम डालेंगे पानी, गैस जलाएंगे, ऑन कर देते हैं इसको। पानी गर्म हो रहा है, इस पानी को उबलने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, क्योंकि तो अदरक कोट लेते हैं जब तक पानी उबल रहा। तो अदरक ले लिए हम, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं पहले, इसको काट लिया है, उसको कोट लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल बारीक तरीके से, अच्छे से बिल्कुल बारीक कर लेते हैं इसको। तो ये ज़्यादा हो गया है मेरे हिसाब से, मेरे को लग रही है। तो जो थोड़ी सी बची है तो ये इसको वापस रख देते हैं यहाँ पे, अभी सुबह काम में आ जाएगी अदरक बनती। अब जो अदरक कोटी है तो पहले इसको अंदर डाल देते हैं, इसमें डाल दिया, डाल दिया उसमें जो भी अदरक लगी हुई थी वो डाल देते हैं, बाहर धो लेते हैं पहले, उसको भी धोकर रख देते हैं। तो पानी उबल जाए फिर इसमें डालेंगे चाय पत्ती, उबल गया है तो इसमें हम डालते हैं चाय पत्ती, क्योंकि थोड़ी सी डालेंगे चाय पत्ती डाल दी है। अब हम डालेंगे इसको उबलने देते हैं अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम दूध, जो कि फ्रिज में से निकालते हैं, तो मेरा दूध निकाल लिया, इसको उबाल देते हैं पहले सही से, इसको उबाल देते हैं तो उबल गया, इसमें डाल देते हैं सारे डाल देते हैं, तो थोड़ा सा ही है
फिर अब ये उबल जाए इसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। रख लेते हैं, ये उबलेगी तो डाल देंगे इसके अंदर। उबलेगी है तो इसमें डालते हैं चीनी। चीनी डालते हैं, चीनी के डब्बे में रख देते हैं। चाय बन चुकी है, अब इसको छान के दादी को दे के आते हैं बाहर। तो इसमें छान लेते हैं कम्प्लीटली, इसमें छान लेते हैं। हाँ, चाय उबल जाए इसके बाद उसको छान लेते हैं। रख देते हैं यहाँ पे, उबल रही तो वही उबल गई। हम गैस को करते हैं बंद। ये उबल गई है तो हम उसको छान लेते हैं। इसमें छान लिया, छान के रख देते हैं। तो छान के अच्छे से देखो बिल्कुल बारीक तरीके से इसको रख लेते हैं। इसमें दे के आते हैं दादी को, चलते हैं। बट्टी ना लेने आना, चाय दे दिए दादी बोल रहे कटोरी के लिए, कटोरी दे के आते हैं। चलते हैं, कटोरी दे के आते हैं चाय पीने के लिए। गिलास में जल्दी ठंडी नहीं होती, कटोरी जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब चलते हैं हम वापस। तो अब हम क्या करें, अब हम भी चाय पी लेते हैं थोड़ी बहुत। लाइटर वापस इसकी जगह पर रख देते हैं और जो चाय बनाए थे पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के अब जो चाय पत्ती है उसको बाहर फेंक के आते हैं। बाहर फेंक दिया अंदर। इसके अंदर पानी डाल के रख देते हैं, इसको गला के फिर उसको बाद में धोएंगे। तो पहले हम चाय पी लेते हैं। तो एक गिलास चाय डाल दी, अब इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिया उसमें, तो चाय पी लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे नहाने। चाय को नीचे गिरा के अंदर रख दो, इसको भी अंदर रख देते हैं। इस पर भी घोल चढ़ा दिए, इसको अंदर रख के आते हैं। चलते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो पहले अब मुझे भूख लग रही है तो पहले मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद सबसे पहले हम लाएंगे सब्जी। ये गोभी की सब्जी बनाई है आज, जो रात को बनाया था साग। गोभी की सब्जी, ये है साग। लेते हैं हम रोटी, क्योंकि ये रोटी में क्या है देखते हैं। रोटी भी है, पराठे भी है, तो हम पराठे खाएंगे। रोटी चिपके पड़ेंगे तो हम पराठे खाते हैं। तो इसको वापस रख देते हैं सही से, तो रख दिया वापस। तो रख देते हैं कटोरी से, अब निकालेंगे कटोरी। लेते हैं सबसे पहले कटोरी ले ली और इसमें ले लेते हैं कुछ निकालने के लिए। ले लिया सब्जी, निकालते हैं थोड़ी सी, निकाल लेते बाद में थोड़े से निकाल लेंगे। और ये साग, सरसों का साग जो कि बनाया था रात को, तो अभी बिछाना है। रात का साग और अच्छे भी अच्छा लगता है, तो पहले यहाँ पर कुछ बिछा लेते हैं। तो टावल कहाँ गया, बिछाने वाला शायद बाहर होगा मेरे हिसाब से। बाहर भी नहीं है, टावल कहाँ गया, टावल 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 जरा टावल मिल गया। तो इसको बिछा लेते हैं यहाँ पे सही से। डबल करके बिछा लेते हैं, ज़्यादा गंदी ना हो जाएगी। बिछा लेते हैं, बिछा लिया और बिछा लिया सही से। इसको बिछा दिया, इसको भिजा दिया, यहाँ पे रख दिया खाना। पहले पानी ले देते हैं, फिर नमक, फिर एक पानी की बोतल ले लेते हैं। बोतल ले ली, फिर नमक की डब्बी ले लिए। तो नमक यहाँ पर रख लेते हैं और पानी की बोतल भी रख लेते हैं। मैं खा रहा हूँ खाना, उसके बाद वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। खाना तो मैंने खा लिया, पानी आ गया है। उसको भरने के लिए इस वाल को अंदर करना पड़ेगा। वाल को अंदर देते हैं, पहले दादी पानी भर दिया अंदर।
अभी तक देते हैं। पीछे का नल भी ऑन था, इसको पहले बंद कर देते हैं। तो बंद कर दिया तो फिर अभी पानी भर दिए अंदर, तब तक हम काम कर लेते दूसरा। तो जो भी कपड़े पड़े हैं जो बहुत ख़राब सही से नहीं पड़े, इनको सही से इकट्ठा करके रखते हैं। एकदम सारे कपड़े गोड़ा मोड़ा हुए पड़े हैं एक जगह पे, इनको सही से रखते हैं पहले। कपड़े इकट्ठा करके यहाँ पर रख दिए सही थे। अब जो कपड़े हैं जो इनको अलमारी में रखेंगे, तो रखते हैं इनको पहले। तो उन कपड़ों को ले लेते हैं पहले। तो इनको रखेंगे यहाँ पे अलमारी के अंदर, क्योंकि इसको ऊपर की साइड नीचे की साइड डाल देते हैं। यहाँ पे रख देते हैं ना। इनको यहाँ पे नहीं रखते, इनको नीचे रखना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे रख देते हैं। कपड़ों को रख दिया वहाँ पे, अब इन कपड़ों को भी रख देते हैं। शर्ट है जो कि अभी तुम्हें पहनूंगा इसको, तो इन दोनों को रख देते हैं अंदर उस बैग के अंदर। शादी के टाइम में तो फुल पैंट ही पहनूंगा, तो पैर में चोट लग गई थी इसी वजह से पहन रहा था इनको ठंड में भी ना। अभी तुम्हें पैंट पहन रखा हूँ अभी भी, और पैंट ही पहनूंगा। अब ये वाली पैंट पहनूंगा शर्ट के साथ। इनको रख देते हैं अंदर, रखते हैं। अब हम चलते हैं नहाएंगे, नहाने के लिए पहले पानी भरेंगे। और आज हम धोने वाले हैं जूते, जो कि चला लेते हैं मोटर पानी भरने के लिए। चलते हैं अंदर, क्योंकि जूते धोने वाला हूँ आज मैं, क्योंकि बहुत टाइम से धोए नहीं होते, गंदे हो रखे हो, डेली यूज़ में होते हैं। तो पहले पानी भर लेते हैं, मतलब भर जाएगा, सारे बर्तन भर लेते हैं पहले। फिर उसके बाद जूते ले आते हैं जो कि धोने के लिए हैं। ये जूते जो कि ये वाले जूते हैं जो कि आज हम धोने वाले हैं इनको, देखो जैसे इनको धोएंगे तो पहले पानी भर लेते हैं अच्छे से, फिर इनको साफ कर देंगे, धोके सुखा देंगे ऐसे। पानी भर गया है, सारा भर लिया है, जूते के लिए भर लिया है। मोटर बंद करके आते हैं चल के, पानी भर चुका है। मोटर बंद कर देते हैं, मोटर बंद कर दी। जाएंगे नहाएंगे, पहले जूते धोएंगे उसके बाद नहाएंगे। तो पहले जूते धो लेते हैं उसके बाद मेरे बैग। तो पहले ऐसे मशीन हटा देते हैं, तो किसी जगह नहीं मिली है पानी के यहाँ जाएंगे। तो सामान हटा के पहले सामान हटा दिया, तो मशीन को अब यहाँ पे लाके रख देते हैं। पहले लेके आते हैं उसको, मशीन यहाँ पे रख दी है, ऐसे जगह पे रख दी निकलने के लिए। अब हम धोते पहले जूतों को, नहाएंगे तो स्टार्ट करते हैं। जूते धो चुके हैं, तो पहले इनको साइड में रख देते हैं। इनको हम रखेंगे यहाँ पर, ना यहाँ पर पानी पानी हो जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं जूतों को पहले, जूतों को रख लेते हैं। तो इनको बाहर सुखाएंगे पहले, पहले मैं ला लेता हूँ, फिर उन जूतों को बाहर सुखा के आएंगे। चलिए धो के सुखा दिए, यहाँ पर रख दिए, तो उनको बाहर सुखा के आते हैं छत पे, मतलब छत पे नहीं पे सुखा देते हैं, छत पे बाहर सुखा देंगे। नहा चुका हूँ,
ट्रेडमिल लगा लेते हैं। तो हम बाहर चलते हैं, दूध लेने के लिए चलेंगे बाहर। शाम का टाइम हो गया तो लेके आते हैं पहले दूध, चलते हैं बाहर। मौसम देखो कैसा हो रहा है एकदम शाम का टाइम, तो चलते दूध लेके आते हैं पहले। लाइट नहीं आ रही अंदर, मैं अभी आया। दादी ने बाहर चूल्हा जला रखा है, लाइट अंदर नहीं आ रही, दूध को रखेंगे। लाइट आ ही नहीं रही अंदर, फोन की लाइट से दूध के यहाँ पर रखता हूँ पहले। इस चाबी को टांग के आता हूँ यहाँ पर। तो गाइस लाइट आ गई है, दादी बोल रही आ रही जा रही है, अब तो आ गई है, बाहर भी आ रही है, तो खम्भों पे भी आई है लाइट, चूल्हे पे आया है। ठंड लग रही मेरे को बाहर, बहुत ठंड पड़ रही है। तो अभी मैं बैठा हूँ चूल्हे पे, लाल लाल दिखाई दे रहा हूँ मैं, लाल चूल्हे को थोड़ी सेक ले लेते हैं, थोड़ी गर्मी ले लेते हैं चूल्हे से, फिर अंदर जाके दूध को गर्म करने से आते हैं, गर्म ना हो जाना। चूल्हा चल रहा है, सेक ले लिया, अब चलते अंदर दूध को रखते हैं गर्म करने के लिए। और दाल सब्जी में तड़का लगा रही है, दाल सब्जी बनाई है, दाल बनाई है, आज बनाई है दाल, तड़का लगा रही है। पहले इस दूध को छान के गर्म कर लेते हैं। फिर से लाइट चली गई है, फिर से आ गई है, लगता है लाइट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आज आ रही है, जा रही है, इस वजह से कहीं ठीक हो रही होगी। अभी चली गई थी, वापस आ गई।